हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ हमेशा की तरह बिल्कुल बढ़िया सी वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे पहले टिप्स के साथ। देखिए, मेरा पहला टिप्स है मिक्सी के जार को लेकर। देखिए, हम सभी के घरों में मिक्सी होती हैं और कभी कभी क्या होता है कि मिक्सी के जो जार हैं इनमें जो वर्क करता है असली, ये जो जार के अंदर ब्लेड होते हैं ये वर्क करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें हल्का सा भी पानी रह जाता है या फिर काफ़ी टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो ये ब्लेड वर्क करना कम कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके ब्लेड बहुत बढ़िया से वर्क करेंगे, 100% ये टिप्स काम करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको लेना है नमक, जो भी खाने में आप नमक यूज करते हैं वो नमक ले लेना है और उस नमक को आपको मिक्सी के जार में डालकर घुमा देना है, यानी कि उस नमक को पीस देना। तो उससे क्या होगा, ये जो ब्लेड है ये इनकी धार तेज हो जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया से वर्क करने लगेंगे। तो जब भी कभी आपको लगे कि आपके जार जाम हो रहे हैं या फिर इनके ब्लेड जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, आप इसमें नमक डालिए और नमक को डालकर घुमा दीजिए। आप देखेंगे आपका जो मिक्सी का जार है फटाफट से बढ़िया वर्क करने लगेगा। और इसमें आपके दो फायदे होने वाले हैं, एक तो नमक आपका बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अगर नमक में हल्की सी भी सीलन की वजह से गांठें हो गई हैं वो भी सारी अच्छे से पिस जाएंगी और आपका जो जार है वो भी बढ़िया वर्क करेगा। तो चलिए, ये था मेरा मिक्सी के जार को लेकर टिप्स। बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है मेरा पर्स को लेकर। देखिए, हम सभी लेडीज जब भी कभी घर से बाहर जाती हैं तो पर्स जरूर लेकर जाते हैं। और क्या होता है, अक्सर पर्स कभी भी जब हम लेकर जाते हैं, पर्स में पैसे लेकर जाते हैं, तो कभी कभी हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि एक बार हम मार्केट गए तो हमारे 4,000 रुपये किसी ने ऐसे ही चैन खोल कर आराम से निकाली। देखिए, हम लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि चैन बहुत स्मूथ होती है, बहुत ढीली होती है, ये खुल जाती है आसानी से। बट जो लोग इसी काम को करते हैं डेली चैन खोल कर पर्स उड़ाने वाला, तो उनको प्रैक्टिस होती है। तो आपको इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा हैक बताने वाली हूँ आज, जो कि मैंने कहीं देखा तो मुझे बहुत यूजफुल लगा क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। तो आपको कभी इस दौर से ना गुजरना पड़े उसके लिए मैं ये टिप्स आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ले लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन का ऐसा कमाल का हैक आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप भी कभी अगर अपने पर्स में ज़्यादा पैसे लेकर मार्केट जाएँ तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से सेफ्टी पिन को चैन के जहाँ पर लॉक होता है बिल्कुल सेम उसी के पास इस तरीके से अटैच कर देना है, और एक ही सेफ्टी पिन से आप अपनी दोनों जो चैन है बैग की उनको लॉक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर चैन लगा दी इस तरीके से, और ये जो दूसरे वाला लॉक है इसको चैन के अंदर से निकाल दीजिए, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका जो पर्स है लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी चैन आपकी कोई खोल नहीं पाएगा और आपके पैसे सेफ रहेंगे। तो आप भी कभी मार्केट जाएँ या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएँ कभी भी, तो इस तरीके से अपने पर्स को हमेशा लॉक कर ही जाएँ। तो इससे क्या होगा, आपके पैसे कभी भी कोई भी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए जब कभी हम जाते हैं मार्केट तो जो पैसे चुराने वाले होते हैं वो चैन खोलकर ही पैसे चुराते हैं, क्योंकि पर्स को काटते नहीं हैं। तो इस हैक को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आपको अपना पर्स खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से अपना पर्स इस तरीके से देखिए पिन से बाहर निकाल कर खोल सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा पर्स की सेफ्टी को लेकर टिप्स। बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स भी मेरा पर्स को और सेफ्टी पिन को लेकर ही है, वो क्या है देख लेते हैं। देखिए, क्या होता है, हम गर्मियों में कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर लॉक करके ही हम सब अपने घर को लॉक कर ही जाते हैं। तो क्या होता है, पर्स में चाबियां डाल लेते हैं, अगर बच्चे हमारे पर्स को छेड़खानी करते हैं तो वो चाबियों को कहीं गिरा देते हैं, हमें चाबियाँ नहीं मिलती हैं, या फिर गर्मियों के दिनों में चाबियाँ हम जब पर्स में इतनी सारी पॉकेट होती हैं भूल जाते हैं कि कौन सी पॉकेट में हमने चाबी डाली है, और गर्मी में बाहर से आने के बाद तो एक मिनट भी खड़ा होना बाहर घर के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चाबी ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा आज मैं टिप्स बता रही हूँ, आपको क्या करना है, सेफ्टी पिन ले लेनी है और जितनी भी आपकी कीज हैं घर की, जितनी भी चाबियां हैं, उनको इस तरीके से पिन के अंदर डाल लेना है, सेफ्टी पिन के अंदर, और उन्हें आप जिस पर्स की मतलब जो भी चेन आपको नहीं खोलनी है बार बार, या तो उस चेन में डालकर अंदर की तरफ डाल दीजिए, देखिए इस तरीके से। तो आपको याद रहेगी कि हमने अपनी जो मतलब चाबियां हैं कौन सी वाली पॉकेट में डाली हुई हैं, और बहुत ही जल्दी से आपको मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा बैग में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से अंदर की साइड डाल दीजिए, तो ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको क्या करना है, चाबियों को सेफ्टी पिन की हेल्प से पर्स में अंदर की तरफ टक कर लीजिए, तो उसमें भी आपको आपकी चाबियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी।
ये छोटे छोटे टिप्स और हैक्स हमारे बहुत ही काम आते हैं हमारे डेली की लाइफ में, तो इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स मैं लाती रहती हूँ। और आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।